सो गाइस आज हमारे पास में है एक मल्टीमीटर। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास में एक मल्टीमीटर है जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक वाला मल्टीमीटर है। ज़्यादा मतलब कॉस्टली यानी ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला मल्टीमीटर और ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप वाला मल्टीमीटर नहीं है, बहुत ही बेसिक मल्टीमीटर है। और आज हम इस मल्टीमीटर के अंदर देखने वाले हैं कि इस मल्टीमीटर के अंदर क्या होता है, इसको हम खोल कर देखने वाले हैं। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो मल्टीमीटर है बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं इस मल्टीमीटर को इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीमीटर ख़राब है। आप देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। देखो ये देखो यहाँ पर बैटरी लो का भी आपको दिख रहा होगा, बैटरी लो है इस मल्टीमीटर की, इसलिए यहाँ पर इस तरह का जो है सिंबल आ रहा है बैटरी लो के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम बैटरी जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि साथ में मैंने इस मल्टीमीटर के अंदर तीन मॉडिफिकेशंस की हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो तीन आपको यहाँ पर LED लाइट्स दिख रही होंगी, और भी मतलब दो मॉडिफिकेशंस और हैं जो कि मैंने अपने मल्टीमीटर के अंदर की है, उनके बारे में भी आपसे थोड़ी बहुत बातें करने वाला हूँ। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करें। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ भी गलत करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो हमारे पास में एक मल्टीमीटर है। इसके आगे की तरफ इसका मेन यहाँ पर डिस्प्ले है, इसका नॉब है जिसे कि हम मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं हमें क्या चीज़ चेक करनी है। यहाँ पर तीन मतलब इनपुट्स के लिए दिया गया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसके जो ये टेस्ट पिंस होती हैं इसके लिए हमें डालना पड़ता है। यहाँ पर नेगेटिव कॉमन यानी कि ग्राउंड वायर जो है वो यहाँ लगेगी, ग्राउंड पर लगेगी कॉमन, और जो ये वाली मतलब पॉजिटिव के लिए होती है वो लगेगी यहाँ पर। अगर हमें वोल्टेज चेक करनी है तो यहाँ पर लगेगी, और अगर हमें एम्पियर चेक करने हैं यानी कि एम्प्स चेक करने हो तो हमें इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। सो इन सब चीज़ों के बारे में तो यार मैं आपसे फिर कभी किसी वीडियो में बात करूँगा कि उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने का भी सोच रहा हूँ। आपको सारा कुछ बताऊँगा मल्टीमीटर के बारे में कि मल्टीमीटर क्यों होता है, मल्टीमीटर कैसे काम करता है, आपको पूरी डिटेल वीडियो मल्टीमीटर के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। लेकिन आज की वीडियो फिलहाल तो ये है कि मल्टीमीटर के अंदर होता क्या है। तो दोस्तों साइड की तरफ देखें तो कुछ भी नहीं, पीछे ऊपर की तरफ भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं, बस पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ हमें वार्निंग्स दी गई हैं। देखो आप अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दो स्क्रूज दिए गए हैं। तो चलो जल्दी से पहले इन स्क्रूज को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर का यूज़ होगा, मतलब ये मतलब मैं सिंपल स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करूँगा। ज़्यादा छोटे की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़्यादा छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलो स्क्रूज ओपन करते हैं। ओके बहुत टाइट है लगता है ये स्क्रू। ओके ये खुल गया स्क्रू हमारा। सो दोस्तों स्क्रू बाहर आ चुका है। बिल्कुल कुछ ही सेकेंड्स लगे स्क्रू ओपन करने में, मुझे लगा काफ़ी शायद टाइम लग सकता है इसको ओपन करने में। मुझे वीडियो को जो है मतलब फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एडिटिंग में टाइम बच गया। अब ये दूसरा स्क्रू भी निकल आया। देखो इन दोनों स्क्रूज को रख देते हैं यहाँ पर, और अब इस जो फाइनल ये हम इस बैक कवर को जो है मैं खोलने वाला हूँ। ओके ये आ गया बैक कवर। पहले मैं आपको यहाँ पर बैक कवर ही दिखा देता हूँ, बाद में मल्टीमीटर के अंदर देखेंगे क्या है। दोस्तों बैक कवर पे देखें तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। देखो मतलब प्लास्टिक का ही मतलब एक केस है, जैसा कैलकुलेटर में था। कैलकुलेटर वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी कि कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर किस तरह का जो बैक कवर होता है इसका। ये देखो यहाँ पर वो तीन जो मैंने आपको इनपुट्स बताया था उसके लिए यहाँ पर शायद स्लॉट्स दिए गए हैं। और अब देखते हैं मल्टीमीटर के अंदर। सो अब जैसा कि बैक कवर लगा हुआ था यहाँ पर, सो अब चलो बैक कवर ओपन कर देते हैं, मतलब पीछे का जो केस है उसको हटा देते हैं। और ये रहा मल्टीमीटर के अंदर, देख सकते हो दोस्तों मल्टीमीटर के अंदर हम आप सब कुछ देख सकते हो क्या कुछ है यहाँ पर, क्या कुछ कॉम्पोनेंट्स का यूज़ किया गया है। अब ध्यान से देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखो और जूम इन करूँ, ये लो। अब मैं आपको बारी बारी हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने तीन मॉडिफिकेशंस भी की हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो मैं आपसे मॉडिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पर मैंने क्या किया। दोस्तों होता क्या है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है।
अब मैंने आपको जो भी दिखाया कि मेरी जो बैटरी है वो लो है, देखो उसमें आपको बता दूं कि जब आप मल्टीमीटर खरीदते हो तो जो आपको बैटरी साथ में मिलती है मल्टीमीटर के अंदर वो होती है ये वाली, कुछ इस तरह की, मतलब पीक पावर की जो है ये बैटरी होती है। और फिर मैंने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया, जो ये बैटरी थी इस मल्टीमीटर के अंदर से इस बैटरी को चुरा लिया, मतलब मैं मजाक में बोल रहा हूँ, मतलब कि मैंने क्या किया, देखो मुझे पता था कि हाँ नया मल्टीमीटर है तो उसके अंदर जो बैटरी है वो भी बिल्कुल नहीं होगी, तो वो जो बैटरी होगी वो बिल्कुल मतलब फुल चार्ज होगी, मतलब वर्किंग कंडीशन में होगी। सो तो मैंने क्या किया, मतलब मेरे पास में एक और बैटरी थी 9 वोल्ट की, लेकिन ये वो थोड़ी कम वोल्टेज की थी, मतलब उसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, तो उसकी वोल्टेज जो थी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने सोचा कि चलो ये ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी मैं यूज़ कर लेता हूँ मल्टीमीटर के अंदर, कम वोल्टेज वाली बैटरी ही रहने देता हूँ। हाँ मैंने आपको भी दिखाया कि बैटरी लो है ये, इसका मतलब यही है। लेकिन अगर मैं दोबारा से इस बैटरी को देखो, यहाँ पर बैटरी लो का सिंबल आ रहा है, तो अब मैं अगर इस बैटरी को चेंज करता हूँ, देखो बैटरी चेंज करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, अब ये भी सुन लो कि बैटरी चेंज कैसे होती है मल्टीमीटर की। देखो अब ये बैटरी देख रहे हो, आपको क्या करना होगा, इसको आगे की तरफ पुश करना होगा, इस तरह से आगे की तरफ पुश करना है, फिर इसको ऐसे उठा देना, देखो बैटरी बाहर आ गई। फिर बैटरी अगर चेंज करनी हो तो बैटरी दोबारा चेंज कर सकते हो, कोई भी आप बैटरी लगा सकते हो। मैं कोई किसी कंपनी या फिर किसी बैटरी की बुराई नहीं कर रहा, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, आप जो चाहो वो बैटरी लगा सकते हो। तो देखो हम बैटरी कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें देखो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ध्यान से देखो दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, हमें यहाँ पर नेगेटिव ध्यान रखना होगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहे, वरना हमारा मल्टीमीटर ख़राब भी हो सकता है। फिर हम इन दोनों स्प्रिंग देखो, आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, मैं पूरी गारंटी ले लेता हूँ इस बात की। देखो ये इस तरह से अंदर की तरफ जाएगा, इसको आपको आगे की तरफ पुश करना है, फिर यहाँ पर ये देखो बैटरी अंदर लग चुकी है। अगर मैं आपको मल्टीमीटर दिखाऊँ तो देखो वो जो बैटरी लो का वो जो सिंबल था वो गायब हो गया। सो इस तरह से जो आप अपने मल्टीमीटर की बैटरी भी चेंज कर सकते हैं। तो चलो अब एक और मॉडिफिकेशन जो मैंने इसके अंदर किया, अब वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, वो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना, अपने इसका पीछे वाला बैक कवर आपने देखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिवेंट फायर इंस्टॉल फ्यूज विद रेटिंग्स शोन। तो मतलब ये जो आप रेटिंग देख रहे हो है ना, ये जो रेटिंग्स है, इस रेटिंग वाला आपको जो है फ्यूज़ भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। हम हाँ जब कंपनी से मतलब जब बनकर आता है मल्टीमीटर तो वो फ्यूज़ लगा कर नहीं देते, पता नहीं क्यों, लेकिन हम हमें ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि आप लोग प्लीज़ फ्यूज़ इंस्टॉल कर लो। तो मैंने भी यही किया कि कभी कभी मतलब हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे में कोई अगर बाई चांस कोई रिस्क हो जाए फायर का, या फिर उसके लिए क्या है, यहाँ पर फ्यूज़ लगाना चाहिए। फ्यूज़ लगाने के लिए देखो मैंने क्या किया, इसको भी ध्यान से देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है फ्यूज़ के लिए, ये जो आप ये दिख रहे हो ये वाला पार्ट, ये देखो, और ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ पर मैंने क्या किया फ्यूज़ में, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये रहा फ्यूज़ हमारा, फ्यूज़ में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, फ्यूज़ आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। देखो ये फ्यूज़ है हमारा, तो मैंने क्या किया सिंपली फ्यूज़ के ऊपर जो है, यहाँ पर इधर की तरफ आप देख सकते हो फ्यूज़ के एक तरफ जो है मैंने सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर एक सोल्डर कर दी वायर, और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ भी एक वायर सोल्डर कर दी, और इन दोनों को यहाँ पर इसके ऊपर फिर से दोबारा सोल्डर लगा दिया, मतलब इस तरह से, मतलब इन दोनों को मतलब जो फ्यूज़ है हमने कनेक्ट कर दिया। अगर हम इसको बिना वायर की मदद से, अगर हम बिना वायर के हम इसको लगाते फ्यूज़ को यहाँ पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, तो वायर की मदद से मैंने फ्यूज़ को मतलब कनेक्ट कर दिया बोर्ड के साथ में। हाँ इसके लिए होल्डर भी आता है जिसमें हमें वायर वगैरह सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब फ्यूज़ को किसी वायर के साथ कनेक्ट करना नहीं पड़ता, उसको सिंपली हम फ्यूज़ को इस तरह से रख देते हैं, और जब वो फ्यूज़ ख़राब हो जाए या फिर फ्यूज़ उड़ जाए तब हम उसको दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन वो मुझे ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिला, ऑनलाइन तो मुझे मिल रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और उसकी जो क्वान्टिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इतनी क्वान्टिटी मुझे नहीं चाहिए थी। तो अब आते हैं अपने तीसरी मॉडिफिकेशन के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लगाई है, मतलब इसका कोई पर्पस नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कंपनी वालों ने मतलब कुछ कहा है, या फिर ऐसा नहीं है कि ये लगाना ही चाहिए, पर देखो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एक एलईडी मैंने एलईडी मॉड्यूल यहाँ पर एक लगाया हुआ है, मैं इसको निकाल कर भी दिखा सकता हूँ, तो मैंने इसको फिक्स नहीं किया, देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पर 3 LEDs लगाई हुई हैं मैंने यहाँ पर, इनको मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हो आप, मतलब ये मल्टीमीटर के साथ नहीं मिलता, आप ये मत सोचना कि मल्टीमीटर के साथ मिलता है, ये मतलब अलग से मतलब आपको लगाना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा ही, मतलब आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने किस तरह से कनेक्शन दिया, देख सकते हो दोस्तों आप, फोकस हो जा,
हो गया फोकस फाइनली। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है बजर, बजर का यूज़ किया जाता है कंटिन्यूटी में, मतलब मल्टीमीटर से जब हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, उसके बारे में भी आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर एक मल्टीमीटर की ये वाली वायर आप देख रहे हो, ये वाली जो है ये वाली मल्टीमीटर की होती है नेगेटिव वायर, ये मल्टीमीटर का नेगेटिव मतलब जो बोर्ड है मेन, जो मतलब पीसीबी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसके साथ जो मतलब मेन जो कनेक्ट किया गया है बजर के नेगेटिव को और बजर के पॉजिटिव को, हमने बिल्कुल ध्यान से देखो बिल्कुल उसके साथ ही मैंने LEDs के नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया। देखो कुछ इस तरह से, यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जब हम मल्टीमीटर को जैसे ही ऑन करेंगे, देखो अभी मल्टीमीटर ऑफ है ना, ऑफ है ना हमारा मल्टीमीटर। अब मैं जैसे ही मल्टीमीटर ऑन करूँगा, देखो जो LEDs हैं वो भी ऑन हो जाएगी। देखो देखो, जब जैसे ही ऑफ होगा मल्टीमीटर, LEDs भी ऑफ हो जाएंगी। सो मतलब यही होता है मल्टीमीटर के अंदर का राज, मतलब अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर बजर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ मतलब आप देख सकते हो जो हमारे टेस्ट पिन लगाने के लिए यहाँ पर वो दिया जाता है, स्लॉट्स है यहाँ पर कुछ, और यहाँ पर फ्यूज़ के लिए यहाँ पर दिया गया है स्लॉट, और यहाँ पर ये जो आप चीज़ देख रहे हो ऐसा सेम याद है आपको कैलकुलेटर के अंदर भी था। ये बेसिकली क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट मतलब हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। एक तरह का एक चिप होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सारा डेटा स्टोर किया जाता है, और कुछ इस तरह का होता है मल्टीमीटर के अंदर का राज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।